नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम तीन चीजें लेके आए हैं। वैसे मैंने दो प्रोडक्ट के ऊपर तो ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अभी अगर हम लोग देखें यहां पर कि एक प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं होल्डर कैमरास, तो एक हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, दैट इज द बल्ब कैमरा। ये होल्डर के अंदर लग जाता है और ये इसके ऊपर बल्ब होता है और इसके अंदर कैमरा होता है और इस बल्ब को आप ऑन एंड ऑफ जो भी आप एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। वीडियो अगर नहीं देखा हो तो आई बटन में दे रहा हूं, जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। काफी प्यार इस वीडियो के ऊपर मिला था। इसके बाद में हमने एक दूसरा वीडियो बनाया था, वो इस जस्ट होल्डर के ऊपर बनाया था। अब ये होल्डर आप सीधा लगा लो इलेक्ट्रिक के साथ में, कैमरा यहां पर है कुछ इस जगह पर। सो इस यहां पर कैमरा है, आराम से चलता है, रिकॉर्ड कर सकते हैं। काफी अच्छा पॉपुलर ये वीडियो भी हमारा चल रहा है, काफी बढ़िया है। अब इसी के अंदर एक और नया होल्डर कैमरा आ गया है, मतलब एक होल्डर, दूसरा होल्डर, तीसरा होल्डर, कंटिन्यू बैक टू बैक होल्डर आ रहे हैं। सो आज एक और नया वीडियो है। सो अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सो दोस्तों, ये है वो हमारा होल्डर कैमरा, टोकर ब्रांड की तरफ से आएगा, आपको मिलेगा ये प्रोडक्ट meragadget.com के ऊपर। और इसको फटाक से अनबॉक्स करते हैं। स्लीव उतारी, इसको हमने साइड में रखा और यहां पर हमने ओपन किया। मात्र इसके अंदर से निकलता है एक छोटा सा एक ये होल्डर वाला कैमरा। क्या खूबी है बाद में बताता हूं। और इसके अंदर आपको और मिलेगी एक सिर्फ यूजर मैनुअल, इसका हमें बहुत ज्यादा काम नहीं पड़ेगा। आप मेरा वीडियो अगर पूरा देख रहे हैं सो जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सो दोस्तों, मेन ये है, इसको बोलते हैं एक होल्डर कैमरा। लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर कोई कैमरा नहीं है, आप यहां पर सीधा सा एक डायरेक्टली बल्ब लगा सकते हैं। एक्चुअल इसके अंदर जो मेन चीज है कि इसका कैमरा फिर है कहां पर। सो इसका कैमरा आपको मिलेगा इस छोटे से एक हॉल पर। ये जो हॉल आप देख रहे हैं यहां पर वो कैमरा प्लांट किया हुआ है। आप इसको कहीं पर भी लगा दीजिए कुछ इस तरह से, तो ये जो कैमरा है पूरा एक रूम अच्छे से, एक ऑफिस अच्छे से रिकॉर्ड कर सकता है। इवन यहां पर किसी को भी ये भी डाउट नहीं जाने वाला है कि आप जब इसमें बल्ब लगा देंगे तो इसके अंदर बल्ब भी चलेगा। आप जीरो बल्ब लगा दीजिए, जो लो वोल्टेज वाले होते हैं वो आप लगा के रख सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहो तो भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप मत लगाइए, तो भी यहां पर किसी को भी पता चलने वाला नहीं है। अब यहां पर बैक साइड में अगर देखें तो आप देखेंगे कि यहां पर पूरा सर्किट इसका है, वो माउंट किया हुआ है और यहां पर दो केबल है। तो इसमें आपको AC 220 देना है और ये जो AC 220 होगा उसके लिए आप नीचे अगर चाहे तो बटन रख सकते हैं, नहीं चाहे तो मत रखिए, क्योंकि अगर वो बटन रहेगी तो आपको पता होना चाहिए कि वो बटन बंद करते ही कैमरा बंद हो जाएगा। और अगर इसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी रेगुलर आपको चलाकर देखना है तो आप बटन दीजिए ही मत, डायरेक्ट इसको पावर सप्लाई मिलती रहेगी और रेगुलरली ये कैमरा चलता रहेगा। सो बस ये इतना है। लेकिन इस कैमरे को आप मेन जो एक खूबी है ना वो ये है इसके अंदर कि इसकी एप्लीकेशन है। सो अब इसको देखना है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं एज वेल इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। चलिए किस तरह से होगा, हम पहले इसको कनेक्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं। सो दोस्तों, यहां पर हमने डायरेक्टली यहां पर कैमरा जो है हमारा कनेक्ट कर लिया है कुछ होल्डर इस तरह से यहां पर डायरेक्टली एसी से। और आप जैसे इसको कनेक्ट करते हो करीबन 40 सेकेंड्स लगेंगे। और अगर कई बार आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आपको यहां पर ऑन और ऑफ की बटन यहां पर मिल जाएगी, या फिर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां पर आपको लाल लाइट आपको ब्लिंकिंग करती हुई दिखाई देगी। अब इसके अंदर मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। अब ये जो मेमोरी कार्ड है वो 32 GB मैं रिकमेंड करता हूं कि आप कोई भी ब्रांड का अगर एक बार लें अच्छी क्वालिटी का तो 32 GB तो सपोर्ट कर ही लेगा। लेकिन अगर आप 64 GB भी लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्लास 10 सीरीज के जो सर्विलेंस मेमोरी कार्ड होते हैं वो ही यूज करने हैं, तो ही आपका 64 GB सपोर्ट करेगा। कई लोगों की कंप्लेन आती है, कई लोग कमेंट्स करते हैं कि सर 64 GB सपोर्ट नहीं कर रहा है, ड्यू टू एक्चुअली वो अच्छी हाई क्वालिटी के मेमोरी कार्ड नहीं होते, इस वजह से ऐसा होता है। सो अभी हम लोग यहां पर WD का जो मेमोरी कार्ड है वो मैं यहां पर लगाने वाला हूं इसमें, तो ये प्लांट हो जाएगा कुछ इस तरह से। आराम से आप हाथ को एडजस्ट करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और एक क्लिक का साउंड आएगा कुछ इस तरह का। सो वो वहां पर लग गया। अब इतना ही करना है, इसके बाद में आपको आपका मोबाइल लेना है। मोबाइल के अंदर आपको जाना है प्ले स्टोर में और एप्लीकेशन का नाम है लुक कैम प्रो, जो कि कुछ इस तरह की दिखाई देती है, ग्रीन कलर का सिंबल होगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है। अब यहां पर आपको क्या करना है, वाईफाई के अंदर गए, आप यहां पर देखेंगे TUT करके कि यहां पर एक सीरियल नंबर के साथ में सर्च होके आ रहा है। सो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सर्च पे गया, यहां पर आपके सामने जो हमने सीरियल नंबर देखा था वो यहां पर मिलेगा, सब कुछ ओके।
स्केन, सर्च नेटवर्क, श्योर, और ये डायरेक्टली यहाँ पर जो कैमरा है वो स्कैनिंग हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सी स्टेप्स है, बहुत ही सिंपल से प्रोसेस हैं, बहुत ही इजीली ये यहाँ पर ऐड हो गया। अब ये जो कैमरा है ये देखिए आप आपके सामने, और हमारा इसका हॉल ये रहा, और ये कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। काफ़ी अच्छी क्लियरिटी अभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल सा बता देता हूँ कि ये जो कैमरा है हम वाईफाई से तो डायरेक्ट कनेक्ट कर ही सकते हैं, एज वेल एज हम इसको अगर राउटर से भी कनेक्ट कर दें तो वर्ल्ड के कोई भी कोने में आप बैठे हों, अगर आपको वहाँ पर इंटरनेट मिल रहा है आपके मोबाइल को, और अगर इस डिवाइस को इंटरनेट मिल रहा है तो आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं इसके अंदर, बहुत ही सिंपल से हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपको वाईफाई सेटिंग मिल जाएगी कि अगर आप इसको डायरेक्टली राउटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, क्लिक करो, आपके पास में जो भी यहाँ पर राउटर का वाईफाई अवेलेबल है आप उसको सेलेक्ट करके उसका पासवर्ड डाल दो, ये सीधा उसमें कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, टाइम सेटिंग, अलार्म सेटिंग, SD कार्ड सेटिंग्स, हर एक चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। बहुत सारे वीडियोस के अंदर मैंने इस एप्लीकेशन के बारे में, इसी तरह की अदर एप्लीकेशन के बारे में बताया है। मोस्ट ऑफली इनका जो सब पूरा जो इंटरफेस होता है वो एक जैसा ही होता है, सो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आप इस डिवाइस को रिस्टार्ट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। अब ये जो रीसेट है वो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हो, और लेकिन अगर आपका समझ लो ये डिवाइस कनेक्ट ही नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर बैक साइड में छोटी सी एक बटन है, इसको दबा कर भी आप यहाँ से इसको रीसेट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस डिवाइस की क्लियरिटी की। सो ये जो डिवाइस है, ये जो कैमरा है हमारे पास में, वो 1080 के अंदर रिकॉर्ड करता है। ये जो फुटेज है आप यहां पर देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्लियरिटी है। अगर मैं 1080 पे अगर मैं इसको करता हूं तो भी देख पाऊंगा, 2K एंड 4K तक की क्लियरिटी आपको यहां पर दे देता है। अब ये जो 4K है वो ऐसा मत समझिएगा कि जो आप DSLR के अंदर रिकॉर्ड करते हैं या फिर आईफोन के अंदर रिकॉर्ड करते हैं वैसी क्लियरिटी मिलेगी, लेकिन जो क्लियरिटी है वो काफी हद तक अच्छी है। अगर ये तो होगी डे विजन की बात, अब हम यहां पर बात करते हैं नाइट विजन के बारे में। तो ये जो कैमरा है वो नाइट विजन नहीं है, सो आप नाइट में इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक प्लस पॉइंट है यहां पर, अगर आप इसके अंदर होल्डर के अंदर बल्ब लगा देते हैं तो बल्ब लगाने के बाद में, बट ऑब्वियसली अगर जीरो बल्ब है रूम के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर, अगर उजाला है, लाइट है थोड़ी सी, तो आपका वो जो नाइट विजन है वो अच्छे से कैप्चर हो जाता है। बात करते हैं अब यहाँ पर ऑडियो के बारे में। तो इसका जो ऑडियो है वो बहुत ही खराब क्वालिटी का है, खराब क्वालिटी का इन द सेंस मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, माइक तो इसका अच्छा है लेकिन ये माइक इस सर्किट के अंदर है, बैक साइड में है। सो इस वजह से होता क्या है कि जब भी आप इसको प्लांट करेंगे तो दीवार के साथ में इस तरह से कुछ चिपक जाएगा। अब ये दीवार पर चिपक गया तो माइक दीवार के पीछे चला गया, इस वजह से आपको अच्छी क्लियरिटी माइक की यहाँ पर ऑडियो की नहीं देखने मिलने वाली है। सो आप माइक के हिसाब से को बिल्कुल भी चूज मत करिएगा। अब दोस्तों नॉर्मल सी यहां पर हम बात करते हैं अबाउट द रिव्यू। तो ये जो कैमरा है वो अगर आप कोई एविडेंस को कलेक्ट करना चाहते हैं, नॉर्मली आप ऑफिस के या फिर घर पे किसी चोर को पकड़ना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा इस तरह के कैमरे को कि आप किसी की लाइफ को हार्म करने के लिए इसका यूज करें, ये कंप्लीटली इल्लीगल है, आप इसका यूज वैसे नहीं कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अस्त्र है, जब आप पीड़ित होते हो, कोई एविडेंस कलेक्ट करना है उसके लिए ठीक है, लेकिन आप अगर गलत नीयत से इस चीज को परचेस कर रहे हैं सो आप कभी भी मत करिएगा, वरना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर ये जो कैमरा है वो काफी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग हमें यहां पर दे देता है, ऑडियो ये यहां पर नहीं देता हमें। इसके बाद में इसको हम ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं काफी अच्छे से। आउटडोर कैमरा नहीं है, नाइट विजन ये कैमरा नहीं है, सो डे क्लियरिटी के अंदर ये काफी अच्छा आपके लिए कैमरा साबित हो सकता है। प्राइस की यहां पर बात करें तो ये जो कैमरा है वो आपको अप्रोक्सीमेट 4800 के आसपास www.meragadget.com की वेबसाइट पर मिल जाएगा। वारंटी की बात करें तो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो 7 days की टेस्टिंग वारंटी के साथ में आते हैं। अगर आप इस कैमरे को मंगवाते हो 7 days के अंदर अगर ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर कोई होते हैं तो आपको ये रिप्लेस किया जाता है। सो मुझे लगता है कि आज का ये जो वीडियो है हमारा होल्डर कैमरा पर आपको काफी पसंद आया होगा। बाय करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूं, दूसरे जो मेरा gadget.com कंपनी उसका नंबर भी दे रहा हूं, कुछ डाउट है वहां पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा,
अगेन अगला जो वीडियो है वो आप कौन से टॉपिक पर कौन से सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं उसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इस कैमरे के अंदर आपको कौन सी चीजें अच्छी लगी और कौन सी चीजें खराब भी लगी, दोनों चीजें आप यहां पर बता सकते हैं। वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नई टाइप की टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स और नई बातों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का हमारे इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।